यो दूध दही का खाना। मैंने एक बार दो दिन पहले भी कही थी और आज भी कहूँ, अब क्या खट्टर सरकार और मोदी सरकार मारे किसाना ने ना डरावे धमकावे। जो बालिन ने केड़ी चौपटा इसार में किसान किसाना गेला जो बर्बरता करी है, जो लाठी चार्ज करी है वो ना करे, ना तो लाठी हमने बिठानी आवे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। आज बढ़िया, कौन सा दिन है? 11 मार्च है जी। तो क्या आप लोगों की अभी तक सरकार द्वारा कोई बातचीत समाधान ना जी? उम्मीद की तो थी, उम्मीद तेरा भी नाम ना हो क्या होती, तेरा भी नहीं बैठे रहे जिब्बा उम्मीद ना हो। कल हिसार में भी किसानों के अटिचार जो है उस तरह के आशुदेशी को गिरफ्तारियां हुई है। एक और बात बताऊं, सरकार की तो सारी बारा नीति आ रही है, लठ मार और ताज रोड पर बैठे थे, ठीक ठाक धरना दे रहे थे, जो हम दे रहे रोड से नीचे थे जाकर जो मैन मैन थे उठा लिए, गाड़ा में घुस घुस लठ मारे हैं, तो बीरबानी लकड़ी जो पुलिस उल्टी हटी है। और तुमने कमी सरकार है जी, ये काम तक रहे कि आर एस साले नड़ोती पर आ गए, आर एस साले लठ ले गए मारे हैं, जो पाँच तोड़ रखे बच्चा गए, जो पुलिस का काम थोड़ा आर एस साले का एक का तीन तीन बापा तोड़ रखे, तीन ले आए था, तीन ना ले आई थी हरियाणा पुलिस ठाक, एक का तो भेद भी है, हमने उसका आठ हजार ऑफर भी करा दिया, चंडीगढ़ ऑफर करा दिया, दो आदमी आनी हो नहीं भेज कहाँ है कहाँ नहीं। और हम यो आपके मन से एक कहना चाहवा हाँ, जल्दी जल्दी हमने हरियाणा सरकार ने बता दिया वो बंदे कहाँ है, नहीं तो हमने रोड़ा बाड़ा पड़ जाएगा, मजबूर हो जाओगे। वो किसी के लाल है कि पर्ची भी नहीं लिख रहे हो, और कौन पर कौन पर के जी ने बीत रही होगी जिसके वो गम कर रखे सरकार ने। और तो हम चलो जल्दी से जल्दी सरकार हमने बता दो वो दोनों बंदे कहाँ हैं, ना तो गलत कहानी हो जाएगी। प्रधान भारतीय किसान यूनियन रोहतक, आज बुधवार माध्यम है प्रधान जी, आज जिस तरह से हिसार में जो किसानों पे हुआ गिरफ्तारियां हुई लाठीचार्ज हुआ, वो भी सरकार है ना, ये दमनकारी नीति पे चल रही है। किसान अपने मांगों के लिए कभी इसे मानिए प्रजातंत्र में दिया तो हमारे को अधिकार है भाई, हम जो तकलीफ है सरकार के प्रति को समस्या है उसको हम रखने के लिए तो धरने प्रदर्शन चलाए करें, ऐसे शांति प्रिय तरीके से धरना चल रहा था। वहाँ प्रशासन ने किसानों के साथ मजदूरों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, बहुत ज्यादा चोटें मारी गई है उनको, हम उसकी निंदा करते हैं। आगे क्या रहेगा? आगे बैठे शांति से बैठे हैं हम तो, अगर सरकार हमारी बात मान ले तो हम भी घर जाकर अपना काम काज कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ बैठे हैं। जो खनौरी बॉर्डर पर लाठीचार्ज गोलाबारी जो करी गई है प्रशासन द्वारा, वहाँ से हमारे को मैसेज आ रहे हैं, वहाँ से हमारी पुलिस हरियाणा पुलिस तीन बंदों को उठा के ले आई है। एक बंदे का तो पता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो परिवार भी डराया हुआ है। हमने प्रशासन से भी बात करी है, मेडिकल में भी बात करी है, हमारा पीजीआई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वो परिवार कल से ये जिद कर रहा हमारे को यहाँ से रेफर करवा दो, हमारे को यहाँ से व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन आज उनको रेफर करवा दिया गया है, थोड़ी बहुत देर में वो अपने जहाँ भी जाना चाहेंगे चंडीगढ़ जहाँ भी इलाज कराएंगे वो करवा लेंगे। तो ये भी हमारी बदनामी है, एक हरियाणा में रोहतक पीजीआई में अच्छी तरह से उनको इलाज नहीं मिल सका, इसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा। जो मेन समस्याएं हैं उन पर तो सरकार अभी तक कोई भी भावना नहीं बना रही, हम किसानों की समस्याओं का समाधान करें, दूसरी समस्या उठा रही है। जैसे ही मैंने ये बताया था तीन लड़कों का, दो बंदे तो ऐसे हैं जो खनौरी बॉर्डर से चोट फेट मारकर प्रशासन द्वारा यहाँ ले गए हैं, उनका अब तक पता नहीं है। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि एक बार कम से कम जीन एसपी से या जो वहाँ स्थित जो भी थाना इंचार्ज है उससे पता करके किसानों को यह बताया जा, अगर वो बंदे जिनको चोट लगी थी लेकर आए थे इधर वो कहाँ हैं, जिससे हमारे में कुछ संतुष्टि हो सके। सरकार को ये कहेंगे जी, सरकार ने यह नहीं करना चाहिए, हम इस देश के निवासी हैं, किसान हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, और कहाँ प्रदर्शन नहीं चल रही, यूपी में चल रहा है, महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, हरियाणा में और समस्याओं में नहीं चल रहा, जंतर मंत्र भरा पड़ा है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसान वर्ग का बच्चा, मजदूर वर्ग का बच्चा या किसान खुद अपनी समस्याओं के लिए कोई भी बात करें उन पर जो लाठीचार्ज गोली एनएसए
लेकिन आम कर्मचारी है, स्टूडेंट है और है, वो अपना धरना कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारे भाई बेटे होंगे ना, हमारे साथ उनके साथ दोगला व्यवहार कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है। भाई मैं सुरेंद्र दलाल चिड़ी रोहतक हरियाणा, कल का जो आपने वाक्य पूछा खेड़ी चौपटा का, वो हमने उनसे बात करी, शाम ने रात्रि अलग अलग उनसे जो बात करी है, एक सबसे जो हमने पहले आशंका थी और जो लोगों को बताया जा रहा था कि भाई आरएसएस के बंदे और सरकार द्वारा घुसाए जा रहे हैं, वहाँ क्या था, सही प्रोग्राम चल रहा था, बाहर फोर्स खड़ी थी, अंदर लोग बैठे थे, बीच में से 35-40 बंदे जिन्होंने वहां को चटाई को उठा दिया, फिर पत्थर फेंके हैं, लोग डर के भाग लिए, उन्होंने वो हल्ला स्टार्ट किया है। हम अपने धरने के ओर से ये बताना चाहते हैं भाई, हमारे धरने के बीच में अगर कोई भी गलत आदमी बीच में पाया गया, आड़े भाई धरने के बीच में नंगा कराया जाएगा, पीटा तो पिटाएंगे लेकिन नंगा कराया जाएगा। दूसरी चीज सरकार को ये बता देना चाहते हैं, ये लोग शांतिपूर्वक बैठने वाले लोग हैं, इनके ऊपर इलीगेशन ना लगाए, इनको बदनाम ना करे, इनकी जो जांच मांगे उनको मानो। और बैठने वाली बात आपको बता देता हूँ, 13 महीने का एग्जाम्पल पूरा संसार देख चुका है, ये लोग 1300 साल तक बैठने वाले लोग हैं। और तीसरी चीज मैं भाई अपनी तरफ से अपने मोर्चे के नेताओं को भी आज बता देना चाहता हूँ, भाई जिन नेताओं ने, चाहे अभी मनु कुमार है, चाहे कक्का जी हैं, चाहे दल्लेवाल जी हैं, चाहे रज्जेवाल जी हैं, भाई जिन्होंने आंदोलन शुरू कराया था, भाई हरियाणा में एक रिवाज हुआ कर जिसका ब्याह हो और जो भाई रूस रहे हो, भाई ब्याह मना के ले आ गए, जो नेता हमारे आज पीछे हट रहे हैं उनको आप बुला के लाओ, मीडिया के माध्यम से बुलाओ या जाके बुला के लाओ। फिर निवेदन है भाई, जितने जो नेता ये कह रहे हैं ना इनके साथ नहीं है, आप इनके साथ आओ, नहीं तो भाई हमारी हर धरना कमेटी से बात चल रही है, ये जो धरने चला रहे हैं ना, ये भाई तुम्हारे फैसले को जब शर्माते रखेंगे, तुम सारे एक साथ आओ, हमारी मांगों को पूरी करवाओ, नहीं तो भाई मैं तुम सुरेंद्र दलाल इस चीज में राजी हूँ भाई, कोई भी स्टेज मत दो, अगर हमारे नेता इकट्ठे नहीं होते तो हम हाथ जोड़ रहे इनको सबके, भाई तुम इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो भाई इनको स्टेज मत दो, नीचे बैठने दो, कोई नेता नहीं भाई, अगर इकट्ठे मिलकर लड़ोगे तो भाई तुम्हारे नेता, तो भाई सुरेंद्र दलाल तो नेता मानता नहीं, इकट्ठे होगा जाओ, आपके साथ हैं, एक का रोड रोक दो, एक का ट्रैक्टर मार्च निकालो, एक का अलग से धरने प्रदर्शन करो, बिल्कुल नहीं, हमने आंदोलन लड़ना सीख लिया है, एक एक हमारे बच्चे ने बूढ़े ने पता है कौन क्या होता है, कभी तुम सोचोगे हरियाणा वाले लोग बेवकूफ हैं, तुम्हारे बेकाब में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे भाई।